Now let's see example number 2. Of lines and angles. बुक सबके पास है, बुक ओपन कीजिए और देखिए एग्जाम्पल टू क्या कह रहा है। एक फिगर आप लोगों को दी हुई है, मैं बना देता हूं यहाँ पर, और ध्यान रखिएगा कि फिगर आप हमेशा सही बनाएं। देखिए अगर आप फिगर गलत बनाओगे और आपने उसमें कुछ भी गलत लिख दिया तो समझ लो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका रीजन ये कि आप फिगर को देखकर ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए फिगर का बिल्कुल करेक्ट मतलब एग्जैक्टली सेम नाप तोल के बनाओ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम उसकी वर्टिसेस वगैरह और वो सब आप सही तरीके से लिखें, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा बच्चे को परेशान करते हैं, जहां पर प्रूफ वाली बात आती है बच्चे को दिक्कत होती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, चाहे तो मार्क कर लीजिए अपनी बुक में। ये आपको फिगर दे रखी है जिसमें पॉइंट पी ओ क्यू आर एस और टी ऐसे दे रखा है। अब ये आपसे कह रहा है कि रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, रे ओ आर एंड रे ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पी ओ एस एंड एंगल एस ओ क्यू respectively, if angle POS is equal to X, देखो क्या दे रखा है, angle POS जो है हमारा वो X degree दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या find करना है, हमें find करना है angle ROT क्या होगा। अब सर यहां पर उसने ये कहा, सबसे पहले ब्रेक करके पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। रे ओ एस स्टैंड्स ऑन अ लाइन पी ओ क्यू, तो ओ एस एक रे है जो कि स्टैंड कर रही है लाइन पीओ क्यू पे, तो पीओ क्यू लाइन दे रखी है उस पर ये रे स्टैंड कर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि एक एंगल ये बनता है और एक एंगल ये बनता है। जो कल हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी लाइन पर एक रे प्रोड्यूस होती है या किसी लाइन पर अगर एक रे स्टैंड कर रही है तो उसके जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। कल जो हमने एक्सिम 6.1 पढ़ी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो ओ आर है, दैट ओ आर एंड ओ टी आर दी एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पी ओ एस एंड एस ओ क्यू, ठीक है। मतलब कहने का ये कि यहां से ये दो एंगल तो बन गए हमारे, एक ये एंगल बन गया और एक ये वाला एंगल बन गया, ठीक है, समझ पा रहे हो। किससे बना, ये रे ओ एस से बना। अब एक बात डेफिनेट है कि इनका सम 180 होगा, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि जो POS है वो हमारा X है यहां पर, और उसने कहा कि ये जो OR है, OR ये OR, ये OR POS का एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर हमारा POS यहां पर X है और OR एंगल बाइसेक्टर है किसका,
किसका एंगल बाइसेक्टर है पीओएस का, तो यहां से ये समझ में आया कि जो एंगल आर ओ पी होगा वो इक्वल होगा एंगल इसके आर ओ एस के। अब बच्चों को पता है ज्योमेट्री में प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चों को सबसे पहली बात तो ज्योमेट्री में प्रॉब्लम ये आती है कि सर वो लिख नहीं पाते हैं, वो समझ तो लेते हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते, दो चार बातें लिख देते हैं गिवन विवन ये सब और उसके बाद फंस जाते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं हम क्या करें आगे, हम समझ नहीं आता। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करो, आप अपने दिमाग में पहले रोड मैप बना लो, पहले सोच लो कि आपको करना क्या है, फिर आप प्रोसीड करो। और इवन मैं ये कहता हूं कि 9th और 10th तक कोई बहुत डिफिकल्ट ज्योमेट्री तो होती नहीं है, मेरे हिसाब से तो इजी रहता है अगर आप सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी थ्योरम्स वगैरह सब क्लियर है, तो मेरे हिसाब से ज्योमेट्री में बच्चे को कोई इश्यू नहीं होता कहीं से कहीं तक। तो आप क्या करो, इसी फिगर में इसको सोचने और समझने की कोशिश करो, इसी फिगर में इसका रोड मैप बनाने की कोशिश करो। तो देखो बेटा यहां से ये वाला जो एंगल है ये पूरा पीओएस ये हमें एक्स डिग्री दिया है और हमें एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, क्या एंगल बाइसेक्टर हमें दे रखा है ओ आर, तो इसका मतलब ये एक्स डिग्री का एंगल हाफ हाफ हो जा रहा होगा ना यहाँ पर, समझ में आ रही है बात। मैं कुछ नहीं कर रहा सर, मैं लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूं, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहीं पे सॉल्व करके, फिर हम लोग उसको प्रॉपर लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यही मतलब हुआ ना, अगर हमारा पीओएस एक्स डिग्री दे रखा है, हमने एक्स ही को लेंगे जब एक्स दे रखा है तो, और ओआर को एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हमारा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो ये पूरा हमारा एक्स है और यहां से ये हाफ हाफ हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स बाय टू और एक्स बाय टू तो बोलेंगे। अब सर वापिस सुनिए कि यहां पर आपका जो ये दूसरा वाला एंगल है कौन सा वाला क्यू ओ एस, ये भी हाफ हाफ हो रहा है ओटी से, तो सपोज हम लोग ये मान लेते हैं कि यहां पर हमारा जो एस ओ क्यू है, एस ओ क्यू वो सपोज हमारा वाई है, ठीक है, लेट से एस ओ क्यू इज इक्वल टू वाई, तो आप देखो रोड मैप कैसे बनेगा, तो ये क्या हो गया हमारा वाई बाय टू, ये एक्स और वाई इस तरीके से लिखने से क्वेश्चन को समझने में इजी हो जाता है, नहीं तो प्रॉपर लैंग्वेज अगर लिखनी पड़ेगी तो बड़ा परेशान हो जाओगे। ये हमारा वाई बाय टू और इसी तरीके से ये भी क्या होगा हमारा वाई बाय टू होगा, वाई बाय टू होगा, होगा या नहीं, होगा या नहीं, अब सर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वाई बाय टू क्यों हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर है ना हमारा, इस पूरे एंगल को मैं वाई ले रहा हूं, इस पूरे एंगल को एस ओ क्यू को, तो सर यहां पर आपको एक सीधी सी बात दिख रही कि स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी दी है और स्ट्रेट लाइन पर जो रे प्रोड्यूस हो रही है ओ एस, वो हमें ये बताती है कि यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री रहता है, लीनियर पेयर बनता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो हमारा एक्स प्लस वाई है वो एक्स प्लस वाई 180 डिग्री है, रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर बन रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, रीजन हम दे रहे हैं, रीजन हम दे रहे हैं लीनियर पेयर है। अब सर आप ये सोचो कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें आर ओ टी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो बेटा हमारा आर ओ टी क्या है, हमारा आर ओ टी एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू है ना,
जो हमारा एंगल आर ओ टी है वो एक्स बाय टू और वाई बाय टू है ना, दोनों को ऐड कर दूंगा। नहीं समझ पा रहे हो, ये जो हमारा एंगल है ये एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू से मिल जाएगा ना हमें, ठीक है? तो एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू का मतलब क्या हुआ, एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू का मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, ठीक है? अब जरा देखो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 90, तो 90 बाय टू, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 180, 180 बाय टू कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, मिलेगा या नहीं? तो सीधा सीधा हमारा रोड मैप यहां से तैयार हो जाता है। अब आपको इसको लिखना कैसे है, तो लिखने के लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, जो हम समझ रहे हैं वही हम लिखेंगे यहां पर। तो हमने एसओ क्यू को क्या ले लिया, एसओ क्यू को हमने वाई ले लिया। ये देखो यहां पर, और आर ओ टी हमें निकालना है। तो पहले ये सोचो कि आर ओ टी के लिए मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आर ओ टी के लिए मुझे एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग रीजन कैसे देंगे यहां पर, आर ओ पी इज इक्वल टू आर ओ एस, ऐसा नहीं चलेगा कि सीधा सीधा लिख देंगे, रीजंस के साथ हमें लिखना पड़ेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहां पर रीजन क्या दे रहे हैं हम लोग, यहां पर हम रीजन दे रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, और साथ ही साथ आप चाहो तो यहां पर इसको दिखा सकते हो कि किसके इक्वल है, एक्स बाय टू के इक्वल है। रीजन क्या दे रहे हो, रीजन दे रहे हो एंगल बाइसेक्टर। कौन है एंगल बाइसेक्टर, ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर, जो उसने दे रखा था, या गिवन करके भी लिख सकते हो, ठीक है? सिमिलरली क्या दिखाओगे, सिमिलरली आप दिखाओगे कि एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू, और रीजन क्या दोगे, किसके इक्वल है, वाई बाय टू के इक्वल है, और रीजन क्या दोगे, रीजन दोगे आप कि जो ओ टी है हमारा वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, समझ में आया? तो सर यहां से अब हम सेम चीज लिखनी स्टार्ट करेंगे। क्या सेम चीज लिखनी स्टार्ट करेंगे कि सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर है, और फिर हम लिखना शुरू करेंगे इसको। के एंगल आर ओ पी का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू, और एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू का मतलब क्या हुआ, एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू का मतलब हुआ कि हम एक्स प्लस वाई को डिवाइड कर रहे हैं किससे, टू से। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। तो बोलना चाहिए ना, टीचर से मैं चिल्ला रहा हूँ, आप बोल पूछोगे नहीं तो कैसे चलेगा, कहाँ फंस रहा है पेज, यही परेशानी है ज्योमेट्री की, लैंग्वेज नहीं लिख पाते बच्चे। दिक्कत कहाँ है ये बताओ, कुछ भी समझ नहीं आया, बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा। फिर से सुन लो।
सर ये जो फिगर दे रखी है, इस फिगर में ये एक रे जा रही है जो कि इस लाइन पर स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहां से हमें समझ में आता है कि ये जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, इन दोनों का सम 180 होगा। और उसने क्या एक्सप्लेन किया है, उसने एक्सप्लेन किया है कि ये जो OR है, ये OR एंगल बाइसेक्टर है। किसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर OR एंगल POS का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर समझते हो जो तू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, यही मतलब है, यही मतलब है। जो हमारा ये पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल हमारा एक्स था, एक्स ऐसा समझो, यहां से यहां तक का जो ये हमारा एंगल है, ये POS, POS ये हमें कितना दिया है, x डिग्री दिया है, और इसका ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये आधा आधा हो जाएगा ना, तो x का आधा कितना हुआ, x बाय टू, x का आधा कितना हुआ, x बाय टू। अब बोलो x कहां से आया, ये x एंगल POS दे रखा है ना हमें क्वेश्चन में, समझ में आई बात। अब सुनो, यहां से यहां तक का ये जो एंगल दे रखा है, यहां से यहां तक का, इसको हमने y ले लिया, y बोलो क्यों ले लिया, अरे कोई वेरिएबल में दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, अभी तो x और y से दिखा रहा हूं, अगर मैंने नाम लिख दिया ना तो फिर परेशान हो जाओगे, सिंपल बात कर रहे हैं कि सर यहां पर जो हमारा ये वाला एंगल है, ये वाले एंगल को हमने y ले लिया, अब क्योंकि OT हमारा एंगल बाइसेक्टर था, इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, ठीक है, ठीक है, इसलिए इस पूरे एंगल का आधा y बाय टू और इस पूरे एंगल का आधा y बाय टू, y बाय टू, y बाय टू हम किसको ले रहे हैं, y बाय टू ले रहे हैं हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, अभी समझ में आया कि बाइसेक्टर है, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, तो नहीं है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, दिशा बोलो समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आया, y by 2 तक, कशिश बेटा समझ में आया आपको y by 2 तक, अब सर अगर y by 2 तक आपको समझ में आ गया तो उसके आगे की कहानी कैसी है, हम लोगों ने लिखा कि ये जो x by 2 हम यहां पर लिख रहे हैं ना, ये x by 2 को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि x by 2 हम कैसे ले रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि जो ROP है, ROP मतलब ये वाला एंगल, ये ROP इस वाले एंगल ROS के बराबर है, कैसे पता चल रहा है हमें, सर हमें दे रखी है इंफॉर्मेशन, हमें दे रखा है कि जो OR है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर है,
यही तो बात हो रही है, तभी तो हम x बाय टू पे पहुंच रहे थे। तो हम लोगों ने कहा आर ओ पी इज इक्वल टू आर ओ एस, और रीजन क्या लिखा कि ओ आर एंगल बाई सेक्टर है, इसको किसके इक्वल दिखा दिया, x बाय टू के। सिमिलरली जो हमारा एस ओ टी है, ये वाला एंगल, ये एस ओ टी टी ओ क्यू के बराबर है, टी ओ क्यू के बराबर, ठीक है, टी ओ क्यू के बराबर है, तभी तो हमने वाई बाय टू और वाई बाय टू लिया। तो वही बात हम लोगों ने लिख दी कि जो हमारा एसओ टी है वो टी ओ क्यू के बराबर है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वाई बाय टू। वाई बाय टू कहां से आई, हमने एसओ क्यू को वाई लिया था, एज्यूम किया था, देखो एज्यूम किया था, से लिखा हुआ है ना। अब सर यहां तक अगर क्लियर है तो आपको ये बात समझनी है कि यहां से यहां तक ये पूरा एंगल कितना है x, यहां से यहां तक का ये पूरा एंगल कितना है y। अब ये x और y लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये एक्स एंड वाई लीनियर पेयर बना रहा है नहीं बना रहा, लीनियर पेयर। अरे भाई एक लाइन पर जब रे स्टैंड करेगी तो जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। अरे कृष भैया कहाँ गायब हो गए, लीनियर पेयर समझ में आया नहीं आया, सर आ गया। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये कितना है यहां से यहां तक x, ये कितना है यहां से यहां तक y, तो x प्लस y का सम 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर वो लिख दिया सर हमने। अब आपको x प्लस y का वैल्यू 180 डिग्री मिल गया, मिल क्या क्या दे ही रखा है उसने, आपको वैल्यू किसका निकालना है, आपको वैल्यू निकालना है r o t का। तो r o टी ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कैसे बन रहा है, देखो एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू, क्लियर है, क्लियर है। ये आर ओ टी का वैल्यू एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू से मिलेगा ना। अरे यार यहां से यहां तक है ना, देखो तो हमें वैल्यू निकालना था एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू का, तो हमने लिखा जो एंगल आर ओ टी है वो हमारा एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू की इक्वल है, एक्स बाय टू और वाई बाय टू दोनों को जोड़ दोगे तो आर ओ टी मिल जाएगा, वही हम लोगों ने लिख दिया। अब सर एक्स बाय टू और वाई बाय टू को ऐड करने पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, सर जी ऐसे समझो जो हमारा एंगल आर ओ टी है वो एंगल आर ओ टी हमें मिल रहा है कैसे, जब हम एक्स को एक्स बाय टू को और y बाय टू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे देखो x बाय टू और y बाय टू को ऐड कर रहे हैं तो हमें एंगल आर ओ टी मिलेगा। x बाय टू और y बाय टू को ऐड करने पे क्या मिलता है, क्या मिलेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन टू, अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है 90, सॉरी 180,
तो 180 अपॉन 2 का वैल्यू कितना आएगा, 90 तो आएगा। अब इसमें ऐसा क्या है जो हम समझ नहीं सकते, इसीलिए मैंने पहले ही कहा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और एग्जाम में दिख जाता है। अब आई बात समझ में, नहीं आई? अरे ये जो 180 था हमारा, ये 180 वैल्यू x प्लस y का वैल्यू 180 उठा के हमने यहाँ रख दिया ना, यहाँ पर इसमें रख दिया ना 180, ठीक है? अभी आया समझ में, अभी भी गड़बड़ है? अरे अब तो हाँ ना तो बोल दो, समझ नहीं आता उसी टाइम बोला करो, नहीं आया सर, आ गया। Now let's move on to example number 3. Example 3 देखिए क्या कह रहा है, एक फिगर दे रखी है आपको, समझ सकता हूँ ऑनलाइन मोड में ज्योमेट्री पढ़ना कोई मजाक बात नहीं है और ज्योमेट्री पढ़ाना भी कोई मजाक बात नहीं है ऑनलाइन मोड में, क्या करे सर, मजबूरी है हमारी। ऐसी फिगर दे रखी है, ठीक है, दिस इज पी, R, O और ये दे रखा है S। क्या बोलता है, कहता है फिगर 6.11 में OP, OQ, OR और OS चार अलग अलग रेज हैं और आप देख रहे हैं रेज है, एक तरफ से एंड हो रही है, एक तरफ से इंफिनिटी मूव कर रही है। कह रहा है प्रूफ करो कि एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल, और एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर मतलब ये वाला एंगल, और एंगल एस ओ आर यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल पी ओ एस यानी कि ये वाला एंगल, मिलाकर सबका सम 360 डिग्री होगा, ऐसा प्रूफ करना है हमको, ऐसा प्रूफ करना है कि इन सबका सम 360 डिग्री है, ऐसा प्रूफ करना है। अब आपको सर प्रूफ करने की क्या जरूरत है, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है कि ये कॉमन पॉइंट से चार रेज निकल रही हैं, और जब इस कॉमन पॉइंट से चार रेज निकलेंगी तो इसके चारों तरफ जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री होगा। लेकिन नहीं सर, अपने को इसको प्रूफ करके दिखाना है, साफ साफ चीज दिख रही होगी तब भी मानेंगे नहीं हम ऐसा, ठीक है? तो आप देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इस पॉइंट से हम एक और रे प्रोड्यूस करेंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे कि सपोज ये टी है हमारा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्ट ओटी, या आप इसको ऐसे लिख लो, एक कंस्ट्रक्शन है हमारा, क्या कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है हमारा प्रोड्यूस ओ, प्रोड्यूस ओ टू अ पॉइंट, छोटे में लिखता हूं,
को पॉइंट सच दैट POQ forms a straight line. ठीक है, ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग. क्यों करेंगे उसका रीजन अभी आपको समझ में आएगा. हमने इस पॉइंट ओ से ओ टी को प्रोड्यूस कर दिया, मतलब ओ को प्रोड्यूस किया एक पॉइंट पी तक, या आप ऐसे समझ लीजिए कि एक रे हमने यहां से बनाई है ओ टी, जिसे हमने प्रोड्यूस किया है और इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि टी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. ठीक है सर, समझ में आया? आया या नहीं? समझ में आया भाई? नहीं आया समझ में? याद yes, sir. आ गया सर. अब देखिए हम क्या करेंगे. पहले आपको समझाने के लिए, सपोज ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा एंगल सी है, ये हमारा एंगल डी है और ये हमारा एंगल ई है. ठीक है, ठीक है भाई. तो अब यहां पर आपको साफ साफ एक बात दिख रही होगी कि ए प्लस ई किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है. ठीक है, ए प्लस ई 180 डिग्री के इक्वल है क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है. बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है सर. यस सर. ठीक है, फिर देखो डी प्लस प्लस सी सी प्लस डी, ये भी 180 डिग्री है. अब लीनियर पेयर मत बोलना, मैंने कल भी बताया था लीनियर पेयर सिर्फ तभी लिखते हैं जब दो एंगल्स होते हैं. दो से ज्यादा होंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. समझ में आया? यहां तक समझ में आया सबको? बोलो कोई दिक्कत है तो. अब सर अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं सबको, ए प्लस प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सबको ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा. मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना सर? मिलता है. यस सर. अब सर एक काम करते हैं, अगर मैं इसको उड़ा दूं यहां से तो आप जरा देखकर बताओ कि ये 360 डिग्री है या नहीं है. अरे भाई ये जो एंगल पी सर है, ओ एस है हमारा, वो ई प्लस डी है ना हमारा एक तरीके से. तो अब बस इसी बात को हमें लिखना है, इसी बात को हमें लिखना है. तो रोड मैप हम तैयार कर चुके हैं, आप चाहो तो इसी फॉर्मेट में ही लिख सकते हो. एबीसीडी लिख दो उसी फिगर में, एबीसीडी लिख दो उसी फिगर में, एबीसीडी, और यहीं से स्टार्ट कर लो. ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर लो. पर प्रॉब्लम क्या है, हमको प्रूफ करना था इस फॉर्मेट में, एंगल पीओक्यू प्लस एंगल क्यूओआर, ये पूरी बकवास हमें लिखनी थी. तो अब इसको हम कैसे दिखाएं, इसको कैसे दिखाएं? तो देखो सबसे पहले जो आपका एंगल ए है, उस एंगल ए की जगह आप लिख लो अपना एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू.
फिर देखो जो आपका एंगल बी है उस एंगल बी की जगह आप लिख लो एंगल क्यू ओ आर। फिर जो आपका एंगल सी है उस एंगल सी की जगह आप लिख लो एस ओ आर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आएगी आपको इस ई और डी वाले को दिखाने में, आपको प्रॉब्लम आएगी इस ई और डी वाले को दिखाने में। तो आप देखो यहां पर ये जो ए था उसको मैंने यहां लिख दिया, ये जो बी था उसको मैंने यहां लिख दिया, ये जो सी था उसको मैंने यहां लिख दिया। तो अब मेरे पास क्या बचा, POS। अब मेरे पास ये ई और डी बचा। तो बेटा ई प्लस डी मेरा किसके इक्वल है, ई प्लस डी किसके इक्वल है, ई प्लस डी इक्वल है हमारा एंगल डी इक्वल्स POS के, यही तो है। तो बस सर 360 डिग्री और यहां पर आप लिख देंगे प्रूफ, बात खत्म, परेशानी किस बात की है। तो